नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। मीठी ईद के ठीक दो महीने बाद आती है बकरीद। इस्लाम धर्म में एक बकरे की कुर्बानी देकर मनाए जाने वाले इस त्यौहार में बकरे की कुर्बानी का क्या महत्व है, आज डेली डायरी आपको बताता है। मीठी ईद के ठीक दो महीने बाद बकरा ईद यानी कि बकरीद आती है। इसमें बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन कम लोगों को ही ये मालूम होगा कि बकरीद पर बकरे के अलावा ऊंट की कुर्बानी देने का भी रिवाज है। लेकिन ये रिवाज देश और दुनिया के सिर्फ कुछ ही इलाकों में निभाया जाता है। दरअसल बकरे की कुर्बानी देने के पीछे एक कहानी है। ये कहानी अलैहिस्सलाम नाम के एक व्यक्ति की है। अलैहिस्सलाम को एक दिन सपने में अल्लाह आए और उन्होंने सलाम को अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने को कहा। आपको बता दें कि सलाम ने अल्लाह की बात मानकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। तभी अल्लाह के फरिश्तों ने इस्माइल को छुरी के नीचे से हटाकर उसकी जगह एक मेमने को रख दिया। इस तरह सलाम के हाथों मेमने के जिबा होने के साथ ही पहली कुर्बानी हुई। अल्लाह इस कुर्बानी से राजी हो गए, तभी से बकरीद मनाई जाने लगी। खास बात यह है कि कुर्बानी के लिए किसी भी बकरे का इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुर्बान किया जाने वाले बकरे को कोई बीमारी ना हो, उसकी आंखें, सींग या कान बिल्कुल ठीक हो, वो दुबला पतला ना हो। यही नहीं, बकरा बहुत छोटी उम्र का हो तो भी उसकी बलि नहीं दी जा सकती। दो या चार दांत आने के बाद ही उसकी कुर्बानी संभव है।